विश्व प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इनका स्थान तो पूरे विश्व में जो है विशेष है, माना जाता है और शिव पुराण के लिए जो है जाने जाते हैं। इनका समय मिलना बहुत ही कठिन होता है, ऐसे में कुशीनगर की धरती पे इनका जो है कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब पहले दिन हम कवरेज करने के लिए गए तो ये पता चला कि सिवान, राजस्थान, महाराष्ट्र, नेपाल से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए और कथा कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी भी जो सुनने की जो आस्था है एक अद्भुत होती है। ऐसे में हम बात करते हैं, गुरु जी आप कथा कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कुशीनगर के लिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि से आप सभी को हर हर महादेव। ये कुशीनगर की पवित्र भूमि पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक, बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है। और ये केवल एक का नहीं, ये पूरे कुशीनगर का भव्य आयोजन है जिसको लोग बड़े आनंद से धारण कर रहे हैं। पूरे आसपास के क्षेत्र में, चाहे बिहार हो, नेपाल हो, वहां से बहुत भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं और सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। ये भगवान बुद्ध की पावन नगरी है, कहा तो महापरिनिर्वाण स्थली भगवान बुद्ध को यहाँ पे जो है आए तो महापरिनिर्वाण के लिए जो है उनको मिला, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध की सभी जगह पर जाकर साधना करना, पर अपने एक विराम समय में, जिस समय पर इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, उस समय पर इस पवित्र भूमि को चुनना, मतलब कोई महात्मा या संत कोई ऐसे साधारण जगह पर नहीं जाता, वहां जाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए इस भूमि का चयन करना, ये कोई साधारण कुशीनगर की भूमि कोई साधारण नहीं है। इसलिए तो गौतम बुद्ध बाबा यहां पहुंचकर जनमानस को प्रेरणा देने के बाद एक आत्मा को उस ज्योति में विलीन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इतनी पवित्र भूमि पर अगर कथा करने का सौभाग्य मिला है तो ये शिव कृपा है। अभी राम मंदिर को लेकर चर्चा चल रही थी, राम मंदिर भी बन गया, उस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, साधुवाद दूंगा मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को, जिनके अथक प्रयास से और संपूर्ण भारतवासियों के प्रयास से, एक एक बच्चे बच्चे ने जो प्रयास किया है वो संपूर्ण प्रयास से आज मेरे रामलला अवध में विराजमान हुए हैं। और संपूर्ण भारतवासियों से भी कहूंगा कि ये आपकी विजेता है और आपकी एक ऊर्जा सामने आई है जो अवध में राम जी विराजमान हुए हैं। जिस प्रकार देखा जाए ज्ञान वापी को लेकर बनारस में चले, मथुरा में लेके चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यास गुफा के अंतर्गत, व्यास गादी के अंतर्गत तो पूजन काम को मिल ही गया है और जल्दी ही जो नंदी इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं काशी में बैठकर ज्ञान वापी की ओर मुख कर, वो नंदी की प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। जो सनातन का है वो सनातन को मिलना ही चाहिए ना, सनातन की चीजें सनातन को मिले और क्या चाहिए। जो पिता दादा की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बच्चे को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, तो वो ज्ञान वापी और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली सनातनियों को अवश्य प्राप्त होगी और जल्दी ही प्राप्त होगी। जिस प्रकार कहा जा रहा है कि विपक्ष जिस प्रकार कहता है सनातन को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, अभी आप देखिए स्टालिन का भी बयान आया था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम ही है, उनके पास तो कोई फालतू के मुद्दे कोई भी मिल नहीं रहे तो उनका सनातन धर्म को पांव खींचा जाए, किसी न किसी तरह से सनातनियों को पीछा करा जाए। पर सनातनी कोई साधारण नहीं है कि जो किसी के पांव खींचने से या किसी के अपशब्द कहने से पीछे हट जाएगा। जो एक बार आगे बढ़ गया, जैसे राम मंदिर के मुद्दे के लिए आगे बढ़े, ज्ञान वापी के मुद्दे के लिए आगे बढ़े, अब भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के लिए आगे बढ़ेंगे, तो जो सनातनी आगे बढ़ जाता पीछे हटने का काम नहीं करता, क्योंकि ये भूमि पूरी धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो कोई विशेष मुद्दों को लेकर अगर कुछ बोलता है तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे में ये लगता है कि जिस प्रकार इस समय चल रहा है, राजनीति को जोड़ा जा रहा है धर्म से, कि धर्म जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखिए, धर्म और राजनीति का पहलू तो पहले से चला आ रहा है, चाहे वो भगवान दशरथ जी महाराज हो, उनके यहाँ भी गुरु जी बैठते थे, और चाहे जनक जी महाराज हो, उनके भी कुल गुरु बैठते थे। तो ये धर्म और राजनीति तो शुरू से चली आ रही है, चाहे वो राज्य के अंतर्गत धर्म की थोड़ी ना थोड़ी परिभाषा होना चाहिए और धर्म के अंतर्गत राजनीति पूर्ण तरह से नहीं होना चाहिए, ये मूल है। परंतु प्रेरणा देना ये हमारे सदगुरुओं का एक प्रभाव रहा है, और जो आज के सनातनी लोग दे रहे हैं, कथावाचक दे रहे हैं, संत दे रहे हैं, साधु दे रहे हैं, सन्यासी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। राष्ट्र की अभी हमारे कुशीनगर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कुशीनगर बड़ी पवित्र भूमि है, भगवान गौतम बुद्ध की पावन धरा है, और यही कहना चाहूंगा कि संपूर्ण कुशीनगर वाले
जितने भी भक्त हैं शिवालय अवश्य जाएं, मंदिर जाएं और अपने माता पिता की सेवा करें। जो बच्चे हैं एजुकेशन धारण करने वाले, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।